नमस्कार दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको लेके चलते हैं खजुराहो मंदिर, हमारे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे बैठक कितना सुंदर लग रहा है। आइए और आगे चलते हैं। यार कहाँ कहा था ये भैया हमको, भाई क्या कहता हम घर जाओ सही सलामत जाओ। देखिए दोस्तों, ये अभी डर गए हैं। अभी तो हमारा अभी तो हम गेट के अंदर आए हैं। अभी ये डर गए और कह रहे हैं भैया हमको घर जाना है, अभी गिर जाएंगे, हमारा हाथ पैर टूट गया तो क्या करेंगे। चलिए देखते हैं इनका हाथ पैर सही सलामत रहता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर कितना बड़ा मंदिर है। ये खजुराहो का मंदिर है, इसका नाम है खजुराहो। आइए दिखाते हैं दोस्तों, मंदिर के पास चलते हैं। हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपका दर्शन बिल्कुल करीब से कराएंगे दोस्तों। देखिए इधर बतख कैसे एक लाइन से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको आज किसी का इलेक्शन है, वोट देने जा रहे हैं। किसी शादी में दावत में जा रहे हैं। नहीं नहीं इलेक्शन जैसे कितना बड़ा बना हुआ है, कितना बड़ा दरबा लम्मा लम्मा केले अंडा पिका पनीम 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 मस्त मौसम है इसमें। यस बॉस, देखिए दोस्तों पानी के बीच में कुछ बतख हैं और एक बतख कह रहा है आई आई, पता नहीं वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। आइए दोस्तों इधर आइए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देख के चलावा ना कि दूसरे को लेकर आवा। कैमरामैन ये देखिए दोस्तों, सामने मंदिर है, मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी दूर और बाकी है। आइए हम करीब से आपको दिखाते हैं मंदिर। ये देखिए दोस्तों सामने बहुत सुंदर सा मंदिर है और हम लोग उस मंदिर में जाने वाले हैं। और हमारे भाई आ गए हैं, दीपक भाई। और दीपक भाई क्या हाल है, चलिए मंदिर में चलते हैं। तो दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर यहाँ पे आ चुके हैं। आइए दोस्तों हम मंदिर में चल रहे हैं, काशी कॉरिडोर पे चढ़ जावा ने इसे यार चढ़वा सा चढ़वा में जब गड़ों की राह लाग। देखिए दोस्तों यहाँ पे शंख बना हुआ है पैर के नीचे, बड़ा गलत है ये तो, गलत है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ का दृश्य कितना सुंदर है, आइए अंदर लेके चलते हैं। ये सब एक एक पत्थर से बना हुआ है, जितनी सीढ़ी बनी है सब एक एक पत्थर है। ये देखिए दोस्तों कैसे कारीगरी की गई है। दोस्तों देखिए
यहाँ की कारीगरी देखने लायक है दोस्त। आइए और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पे हमें जलाना, यहाँ पे लाइट जलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा, यही पे हैं महादेव भोलेनाथ जी, आप उनके दर्शन कर लें। हमारे YouTube के जरिए देखिए दोस्तों, वहाँ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको यहीं से दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पे कारीगरी की गई है, ये सब पत्थर से बनाया गया है, बहुत अद्भुत चित्र है। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, कब बताओगे अब हम? लोग आए हैं देखने के लिए और कुछ लोग तोड़ दिए हैं मूर्तियाँ। ये देखिए यहाँ पे तोड़ दी गई है। दोस्तों इसमें कोई सीमेंट नहीं लगा हुआ है, इस पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पत्थर दूसरे पत्थर में फंसाया गया है। दोस्तों आइए हम आपको करीब से महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। रुकिए दोस्तों, लाइट को ऑन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। करण पकड़ो, स्पर्श करो, भोलेनाथ जी यहीं पे हैं। जय महादेव भोलेनाथ। आइए दोस्तों आपको लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर, यहाँ पे बहुत अंधेरा है। और दोस्तों ये पता नहीं यहाँ पे कैसी स्मेल भी आ रही है। चलिए छोड़ के जाने दीजिए, ऊपर देखिए दोस्तों कितना सुंदर दिख रहा है। अंधेरे के नाते हम पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे दोस्तों। और आइए भैया दिनेश भाई, आइए बाहर चलते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राजमहल में घुसे हैं। यहाँ पत्थर की सभी पावा और दीवार और छत सभी पत्थर के बने हुए हैं। और ये देखिए गेट का डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ऊपर देखिए ये सब पत्थर से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी
कारीगर ने फर्नीचर ने बनाया है। चलिए बाहर चलते हैं, आइए इधर से देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका छत ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सांचे में ढाला गया है, लेकिन नहीं, ये छेनी हथौड़ी से कारीगर बनाए हुए हैं। और दोस्तों ये हजारों साल पुराना है और इसको बनाने में 100 साल लगे हैं दोस्तों। जो यहाँ पे पूरा मंदिर दिख रहा है आपके सामने, ये सब मंदिर बनाने में, इसमें डिजाइन बनाने में ये सब सालों साल लगे हैं दोस्तों। ये सब देखिए सब पत्थर से ही बने हैं, इसमें तो ना सीमेंट लगा हुआ है दोस्तों, ना तो कोई चूना लगा है, और इसमें दोस्तों पेंट नहीं हुआ है, और ये पत्थर ही है। और दोस्तों दूर दूर से लोग आते रहते हैं यहाँ पे घूमने टहलने, और विदेश से भी लोग आते हैं। देखिए दोस्तों बाहर से और पीछे से हम बिल्कुल मंदिर के पीछे आ चुके हैं। देखिए दोस्तों यहाँ कैसे डिजाइन है, यहाँ की इतनी मूर्तियाँ हैं हम तो बता नहीं सकते कितनी मूर्तियाँ हैं। हर एक पत्थर में अलग अलग सी मूर्तियाँ हैं, किसी के हाथ में नाग है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के कमल, ऐसे ऐसे। बागेश्वर मंदिर तक एक सीन में बना का होती। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको दिखाई देता होगा पूरा एकदम ऊपर तक, और ऊपर तो नहीं बता सकते, जैसे कमल बना हुआ है। दिखाते हैं आपको थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए दोस्तों एक तो दिखाया गया। दोस्तों हम अगली बार आएंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है, तो दोस्तों हम इसलिए अपना ड्रोन ऊपर नहीं ले छोड़ रहे हैं, इसको ऊपर नहीं भेज रहे हैं कैमरा, और हमारे पास हैंडी कैमरा है, इसी से हम आपको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक दिखाते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण दोस्तों हम और वीडियोस में नहीं जोड़ सकते, और
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।